अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ अस्मा इमाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्विज़ोटेल अल मकाम होटल मक्का का ब्रेकफास्ट बफ़े, जो कि कम्प्लीमेंट्री मिलता है आप लोगों को अगर आप स्विज़ोटेल में आके इस्टे करते हैं और रूम बुकिंग करवाते हैं। तो आज है हमारा यहाँ पर थर्ड डे मक्का में और हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। मॉर्निंग में जो टाइमिंग है ब्रेकफास्ट की वो है इनकी 6:30 to 10:30, और इनका जो ये रेस्टोरेंट है ये इसका डाइनिंग एरिया है, और ये रेस्टोरेंट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, यानी जो हमारा रूम था 14th फ्लोर पे, वहाँ से अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। तो ये है पूरा डाइनिंग एरिया, और इसके आगे जो है वो पूरा इनका ब्रेकफास्ट बुफे है जहाँ मैं आपको अभी लेकर जाऊँगी। और वहाँ पे आप देखिएगा कि कौन कौन से डिशेस होती हैं ब्रेकफास्ट में और मेन कोर्स में क्या चीज़ें होती हैं। लाइव कुकिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें लाइव बन रही होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके अलावा किड्स के लिए एक अलग जो है किड्स इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है ब्रेकफास्ट के लिए, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम आ गए हैं मेन जो ब्रेकफास्ट है इनका उसकी तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इनका बुफे है, और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो है चीज़ वग़ैरह है, डिफरेंट स्वीट्स हैं, इसके अलावा सॉसेस हैं और काफ़ी सारी इस तरह के आइटम्स हैं। इसके आगे सैलेड बार है जिसमें आपको फ्रेश सैलेड भी मिलता है, इसके अलावा बहुत सारी अकसाम के सैलेड्स हैं वहाँ पर, अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर इंशाल्लाह। और इसके अलावा बहुत सारी चटनीज़, डिप्स और कुछ ट्रेडिशनल जो सऊदी हमस वग़ैरह होता है, बाबा गनूश, ये तमाम चीज़ें भी इनके ब्रेकफास्ट बुफे में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी काइंड्स के आपको यहाँ पे अचार भी अभी देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑयल वाला अचार और पानी वाला अचार, ये सब इंक्लूड हैं। अच्छा जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं इनका मेन कोर्स, यानी कि मेन कोर्स में ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें हैं।
तो सबसे पहले तो ये एक आ जाता है, स्वीट डिश है ये, आई थिंक हलवा है ये जी, हलवा है ये। उसके बाद यहाँ पे इसके आगे आ जाता है मीट सॉसेजेस, जिसको इस तरह से कुछ ग्रेवी के साथ बनाया हुआ है। और इसके बाद है यहाँ पे बटर चिकन, लिटरली बटर चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ट्राई किया था मैंने। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है ये एक दाल है, और इसके साथ ये बॉइल्ड राइस है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में इस तरह का मेन्यू, यानी कि दाल और बटर चिकन हो गया या ये राइस, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में। तो ये एक अच्छा, मुझे लगा कि अच्छा जो है वो डिसीजन है इनका, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की डिशेस भी जो है ना वो पसंद करते हैं। यानी ये पूरा समझे ये एक ब्रेकफास्ट नहीं है, बल्कि ब्रेकफास्ट प्लस लंच मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारी डिशेस ऐसी थी जो कि लंच में होती हैं अक्सर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये ओट्स वगैरह हैं कुछ, इसे भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, शुगर एंड सिनेमन वगैरह को ऐड करके। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है वाइटलिटी कॉर्नर है ये, और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे जो हैं फ्रूट्स वगैरह थे। तो जो फ्रूट सेक्शन था उसकी मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, बाकी ये कुछ जैम हैं, जेलीज हैं। और इसके आगे यहाँ पे देखें ये फ्लैक्स सीड हैं, ये जो है वो क्रश कोकोनट है। इसके अलावा यहाँ पे ये सफ़ेद तिल हैं। तो इस तरह की भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इनके बफे में जो है वो इंक्लूड हैं। इसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है यहाँ का जो मशहूर जो डिश है, ये है फलाफिल। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद ड्रिंक्स की हम बात करें, तो ड्रिंक्स में भी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये जो है वो पानी है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो देखें आप कितने सारी तादाद में यहाँ पे ग्लास रखे हुए हैं, कितने तो लोगों ने उठा लिए हैं अब तक, क्योंकि ऑलमोस्ट अब ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश होने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं सारे जो हैं ये स्वीट्स हैं, और इसमें काफ़ी सारी जो मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो पफ पेस्ट्री वाली, यानी पफ पेस्ट्री से जो तैयार की जाती हैं वो तमाम चीज़ें हैं। और लिटरली इसमें से एक दो चीज़ें काफ़ी टेस्टी थी, मैं इतना मीठा शौक से नहीं खाती लेकिन मुझे भी अच्छी लगी थी। तो ये पूरा इसका सेक्शन है, ये भी काफ़ी बड़ा सेक्शन है, और इसमें इतनी तरह की जो है चीज़ें हैं, और बहुत ज़बरदस्त है ये ब्रेकफास्ट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगी बन और ब्रेड की बहुत सारी वैरायटी और केक्स वगैरह। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जो है इसको प्रेजेंट किया है, कि देखते ही ऐसा दिल कर रहा है कि आप, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। इसके बाद लाइव कुकिंग में यहाँ पे बच्चों के लिए बन रहे थे पेन केक्स, और इसके साथ यहाँ पे बन रहा है ऑमलेट। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑमलेट बनवा सकते हैं, चीज़ के साथ, वेजीज़ के साथ, और जो भी आप डलवाना चाहें उसमें। तो यहाँ से अभी मैं बनवा रही हूँ अपने लिए ऑमलेट, ऑमलेट लेके मैं जाऊँगी अपने टेबल पे, क्योंकि बाकी चीज़ें टेबल पे पहुँच चुकी हैं, बच्चे और हस्बैंड पहले ही टेबल पे लेके जा चुके हैं चीज़ें। उसके बाद हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुएज़ो टेल अल मकाम होटल मक्का का जो रिव्यू है, जो इनका रूम टूर है, और स्पेशली काबा व्यू रूम का जो टूर है, उसका जो व्लॉग है वो मैंने लास्ट अपनी वीडियोस में शेयर किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और कार्ड पे भी लगा दूंगी, तो आप लोग वो वीडियो लाजमी जाके देख लीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में उम्रा और हज से मुतालिक बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, होटल के जो है रिव्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। मज़ीद कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।